एक इसको ठीक है, हम लोगों ने पेरिस्टाल्सिस कर लिया था। जी पेरिस्टाल्सिस कर लिया तो वहां धक्के कर लिया था ये स्टमक भी कर इसी ली, चक्कर स्टमक शुरू करना है ना। तो जी। सर हमारे डिग्री में इतना डिग्री नहीं स्टमक जो है हमारी बॉडी में, ये एक क्या है, इलास्टिक बैग है। ठीक है, इलास्टिक का क्या मतलब होता है, जो फैल सके, और ये डायफ्राम के जस्ट नीचे है। डायफ्राम तो एक एक तरह की इलास्टिक कवरिंग आता है। है, एक प्लास्टिक आता है, तो फिर ये वाला प्लास्टिक कौन दूसरे सा? प्लास्टिक इज डिफरेंट। इलास्टिक मीन्स वो जिसको विच कैन स्ट्रेच, ओके। और प्लास्टिक भी दूसरी चीज होती है, इलास्टिक बैग की तरह है ये। इलास्टिक बैग है जिसको जगह बढ़ घट सकती हो जिसमें, और डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। और एवरेज एडल्ट में ये 2 से 3 लीटर फूड जो है अपने अंदर रख सकता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं हाईली मस्कुलर हैं, ठीक है। एंड चर्न द फूड थॉरली टू मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग। जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसके अंदर से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं जो फूड के साथ मिक्स होते हैं और थॉरली मिक्सड होते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से वो फूड को क्या करता है, पीसता है, ओके। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक, ये जो ओपनिंग है उसकी कहाँ जाती है, इन टू द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पाइलोरस। जो स्टमक की ओपनिंग है वहां जहाँ पे मैं अगला हिस्सा स्टमक का है वो जुड़ता है इंटेस्टाइन में, इसको पाइलोरस कहते हैं, ओके। यानी ओपनिंग मीन्स एंड, आपकी बॉडी स्टमक का जो एंड होगा सब जगह से हो करके वो पाइलोरस कहलाता है। और उसके पास एक रिंग होता है, उस रिंग जैसा शेप का मसल होता है, उसको स्फिंक्टर कहते हैं। टू कीप द ओपनिंग क्लोज लाइक अ वॉल टू प्रिवेंट फूड पासिंग फ्रॉम स्टमक अंटिल इट इज थॉरली चर्न्ड अप। तो अब होता क्या है कि अब तो जब ह्यूमन जहां से एक्सक्रीट करता है, ठीक है, हम तो उस जगह पर एक रिंग शेप है, एक वॉल्व की तरह काम करता है। अदरवाइज आदमी खाना खाता है और पॉटी करता रहता साथ में, तो वो रिंग इस चीज को रोकता है, ठीक है। और इसके साथ यह भी प्रिवेंट करता है रिगर्गिटेशन फ्रॉम द ड्यूओडेनम। अब उसके अंदर से क्या होगा, स्मॉलर जो इंस्फिंक्टर टर्म कार्डियक इंस्फेक्टर इज प्रेजेंट एट द फ्रंट एंड ऑफ स्टमक टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड इनटू द ओइसोफेगस। दो तरह के स्फिंक्टर, कार्डियक इंस्फिंक्टर है जब आप खाना खाते नीचे उतरता है, डायफ्राम के नीचे जाता है, वहां भी एक रिंग टाइप की मसल है, उसको स्फिंक्टर कार्डियक इंस्फिंक्टर कहते हैं। वो क्या है, बैक फ्लो फूड का ऊपर की तरफ रोकता है, और एंड में आखिर में बिल्कुल आपकी बॉडी से फूड बगैर इस्तेमाल किए निकल ना जाए उसके लिए लास्ट में एक इंस्फिंक्टर इंस्फिंक्टर मसल मौजूद होती है, रिंग ऑफ मसल्स मौजूद होते हैं कि वो वॉल्व की तरह काम करते हैं। और जब तक वो थॉरली चर्न्ड अप ना हो जाए, ठीक है, तब तक वो पूरी तरह से इस्तेमाल ना कर लिए जाए बॉडी से, वेस्ट जब तक ना बन जाए तब तक के लिए उसको बाहर जाने से रोकता है, ठीक है। और वो जो ओपनिंग है स्टमक की, इसको पाइलोरस कहते हैं, ओके। अब आई बात यहाँ पे वॉमिटिंग की, अगर यहाँ पे ये मसल्स ना होते तो क्या होता, खाना मुंह में वापस आ सकता था। तो वॉमिटिंग समटाइम्स व्हेन द स्टमक इज ओवरलोडेड या डिस्टर्ब होगा तो वॉमिटिंग अकर्स होती है, जिसमें कार्डियक इंस्फिंक्टर ओपन हो जाता है और रिवर्स वेव जो है ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एंटी पेरिस्टाल्सिस कॉज हो जाती है। और ये क्यों होता है, वॉमिटिंग आपके पेट को बचाने के लिए होती है, बॉडी में एक्स्ट्रा फूड चला गया, ओवरलोडेड हो गया, और कोई दिक्कत ना आ जाए तो फट से कार्डियक मसल खुलेगा, आप खाना मुंह के जरिए बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, जो गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीट होते हैं, इनर लाइनिंग यानी अंदर की जो कवरिंग होती है, थिन लेयर होती है, लाइनिंग उसको कहते हैं, ठीक है। जो वहां से सिक्रीट होते हैं स्टमक में, स्टमक के ये कौन किस तरह की गैस्ट्रिक जूसेस हैं, कलरलेस हैं, हाईली एसिडिक लिक्विड कंटेनिंग वाटर सम साल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इवन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। इतनी चीजें होती हैं गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो, जो इनर लाइनिंग स्टमक में डालती है, ठीक है, वो कलरलेस है, बहुत ही एसिडिक लिक्विड है, और वो जो एसिडिक लिक्विड वाटर है जिसमें वाटर है, कुछ साल्ट्स हैं और
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक एंजाइम जिसको पेप्सिन कहते हैं वो मौजूद होता है। ये जो एसिड है सर्व करता है दो फंक्शन को, पहले तो इट किल्स एनी जर्म्स विच मे हैव एंटर्ड अलोंग विद फूड, पहले तो ये काम है, इतना खतरनाक एसिड है। इट एक्टिवेट्स पेप्सिन टू एक्ट ऑन प्रोटीन्स, और ये क्या करता है पेप्सिन को प्रोटीन्स पर काम करने को लगा देता है, और पेप्सिन क्या करता है डाइजेस्ट कर लेता है प्रोटीन्स को, यानी 20% डाइजेस्ट कर पाता है और उनको क्या बना देता है पेप्टाइड्स। इन फैक्ट द पेप्सिन इज फर्स्ट सिक्रीटेड एज पेप्सिनोजन, सबसे पहले पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिनोजन की शक्ल में बाहर निकलता है, विच इज देन चेंज्ड टू, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ओके, पेप्सिनोजन इनएक्टिव प्रोटीन्स है, ठीक है, इनएक्टिव है प्रोटीन्स पे, देन HCl जैसे ही लगा उसके ऊपर तो पेप्सिन बन गया, वो एक्टिव हो गया। अब प्रोटीन्स क्या है, पेप्सिन से जब मिलेंगे तो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स पेप्टाइड्स में चेंज होते हैं, और प्रोरेनिन इसके ऊपर इनएक्टिव है, ये HCl ने काम किया तो रेनिन बन जाता है, ये एक्टिव हो गया, और केजीन ये मिल्क प्रोटीन है, और जैसे वो रेनिन से मिलेगा तो क्या बनेगा पैराकेसिन, एक अपेप्टाइड, और ये एक तरह का पेप्टाइड है जो इनसोल्यूबल होता है। द फूड स्टेज इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स एंड इट अटेन्स अ पल्प लाइक फॉर्म, पल्प की तरह वो बन जाता है, इसको शाइम कहते हैं, शाइम CHYME शाइम। नाउ द पाइलोरस ओपन्स इंटरमिटेंटली टू अलाउ द शाइम टू मूव टू इंटेस्टाइन लिटिल बाय लिटिल। अब जो पाइलोरस है ये क्या है स्टमक की एंडिंग है, और जो स्फिंक्टर मसल है वो लास्ट में होते हैं, वो अलग चीज है। यहाँ पर पाइलोरस कहाँ से, इसकी ओपनिंग इंटेस्टाइन की तरफ, इंटेस्टाइन यानी स्टमक टू इंटेस्टाइन बीच में पाइलोरस है, वहां से धीरे धीरे शाइम जो है वो इंटेस्टाइन में मूव करता है। ओके, अब देखिए इसमें ट्रू और फॉल्स आप कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। सलाइवा मॉइस्टेंस एंड लुब्रिकेट फूड, यस इट इज ट्रू, सलाइवा कंटेन्स, और दूसरा वाला सलाइवा कंटेन्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, फॉल्स, सलाइवा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं रखता, सलाइवा टेंड्स टू डिस्ट्रॉय जर्म्स इन द माउथ, ट्रू, सलाइवा जर्म्स को मार देता है, पेट में काम होता है, स्टमक टेंड्स टू डिस्ट्रॉय जर्म्स, अच्छा ये हाँ तो सलाइवा का माउथ है, फंक्शन ऑफ सलाइवा जो फूड इन स्टमक स्टेज फॉर अबाउट 10 आवर्स, ये भी गलत है, 3 आवर्स के लिए रहता है। जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, गैस्ट्रिक जूस क्या है, एल्कलाइन है, नो एसिडिक है, एसिडिक, गैस्ट्रिक जूसेस में क्या है पेप्सिनोजन होता है, ट्रू है, क्योंकि पेप्सिन मतलब पेप्सिनोजन बनता है, ठीक ठीक। और 3 सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम बताइए, वो कौन कौन से हैं, एक तो वो पैरेंटल और सब लिंगुअल ग्लैंड और एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, गुड, आगे चले। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, उमर खान मौजूद हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चलें। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ ट्यूब ऑफ अबाउट 7 मीटर्स लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड, 7 मीटर लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, 2.5 मीटर वाइड, इट इज कॉइल्ड एंड फोल्डेड, कॉइल्ड और फोल्डेड इन द एब्डोमेन, इट्स 9 मीटर मतलब 27 फीट होता है, तो फिर ये अगर 7 मीटर हुआ तो ये मतलब 20 फीट तो हो गए, मतलब 20 फीट लॉन्ग हम लोग की इंटेस्टाइन होती है। भाई देखिए 100 मीटर्स जो होते हैं, 100 मीटर्स वो उस वो 30 मीटर क्या था यार, सही रेशो था कुछ उसके अंदर, चलिए उसको हम लोग चेंज कर लेंगे फीट में, ठीक है, उसको अभी दिमाग से निकाल दीजिए, बाद में देखेंगे उसको किसी वक्त, ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कितने फीट हुआ, वो ये है कि उसका आपको ये अंदाजा रहे ना कि कितने, 7 मीटर्स भी बहुत हुआ ना, आपका हाथ का 7 टाइम्स हुआ, ठीक है,
और 2.5 सेंटीमीटर वाइड है, और कॉइल्ड और फोल्डेड है अदरवाइज पेट में अगर। और दूसरी बात है, अगर ये ऐसे ना होते कॉइल्ड और फोल्डेड ना होता तो सरफेस कम मिलता चीजों का। और दूसरी बात क्या होती है, अगर ये सीधी सीधी होती तो बॉडी को तो कम से कम 10-12 मीटर होना चाहिए था फिर ह्यूमन बॉडी को, तब उसके अंदर वो ये समाती। दूसरी बात ये थी कि जो भी चीज स्मॉल इंटेस्टाइन में आती बगैर रुके पैसेज उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड होता। ये कॉइल्ड और फोल्डेड होने की वजह से क्या है कि रुक रुक के धीरे धीरे काम होता है, ठीक है। अब उसमें भी तीन रीजन्स है, सब रीजन्स मौजूद हैं। एक पहला है ड्यूडेनम, ये शॉर्ट अपर पार्ट है नेक्स्ट टू स्टमक, स्टमक के जस्ट बगल में ऊपर का छोटा हिस्सा ड्यूडेनम। मीन्स ड्यूडेनम का मतलब होता है 12, यानी 12 फिंगर विद इन लेंथ, ठीक है। ड्यूओ मतलब टू, डेनी मतलब 10, ड्यूओ डेनी यानी अगर 12 का ना ड्यूओ डेनी। द कॉमन बाइल डक्ट इसी में खुलता है, इस पार्ट में बाइल डक्ट आकर के खुलता है ड्यूडेनम में, ठीक है, 12 उंगलियों के बराबर जगह। फिर जेजुनम, जेयुनम ये क्या है, नेक्स्ट शॉर्ट रीजन जो है ये 2 मीटर का है करीब, उससे बड़ा है, ये 2 मीटर का है। जेजुनम मीन्स एम्प्टी बिकॉज इट इज नियरली ऑलवेज एम्प्टी आफ्टर डेथ एज फाउंड इन डिसेक्शंस और इन पोस्टमार्टम्स, ये हमेशा मतलब तकरीबन खाली ही मिला है जब भी इसके ऊपर सर्च की गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, जेजुनम एम्प्टी रीजन, और ये 2 मीटर का है, ठीक है। और क्या इलियम, इलियम 4 मीटर लॉन्ग हो सकता है, 4 मीटर लॉन्ग होता है, और इलियम का मतलब है ट्विस्ट रोल, रेफरिंग टू द ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट में ट्विस्टिंग मूवमेंट होते हैं, इसीलिए उसका नाम भी इस तरह का रखा गया है। जो इनर लाइनिंग है इलियम की ये मेड होती है, ये मतलब किस चीज से बनी है, ग्रेट नंबर ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको वाइली कहते हैं, और सिंगुलर उसका वाइली का सिंगुलर वाइलस, ठीक है। द वाइली एनॉर्मसली इंक्रीज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन्स, वाइली क्या करती है, जो सरफेस एरिया अंदरूनी है उस इंटेस्टाइन्स का नियरली 8 टाइम होता है, आउटर बॉडी का 8 टाइम अंदरूनी सरफेस एरिया है इंटेस्टाइन का, और वाइली उसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। Which facilitates the absorption of, और क्या करता है ये वाइली की वजह से जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में, बिटवीन द वाइली और स्मॉल होल्स, है ना, वाइली के बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको जहां से इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स है ऐसी सेल्स जिसमें ग्लैंड होते हैं, और वो कहाँ पे पोर्ड इन टू द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी अब वो इंटेस्टाइन के सामने वहां पर ला करके गिराते हैं। ईच वायलस इज कवर्ड बाय अ सिंगल सेल थिक एपिथेलियम, हर वायलस जो है वो सिंगल सेल के बराबर एक कवरिंग से ढका होता है जिसको एपिथेलियम, एपिथेलियम कौन सा टिश्यू होता है, ये कवरिंग के लिए काम आता है, ठीक है। इस तरह सिंगल सेल थिक जो है एपिथेलियम से ढका है, और वायलस के अंदर क्या कंटेन करता है, आर्टरी और एक वेन और इंटरकनेक्टिंग ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल जिसको लैक्टील कहते हैं, हर वायलस के अंदर ये होता है, और सैकड़ों वायलस वाइली इनॉर्मसली, वाइली से क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो इनर सरफेस एरिया इंटेस्टाइन्स का बढ़ा देते हैं। वाइली मतलब उसका एग्जांपल वैसे ले सकते हैं ना जैसे बैक्टीरिया छोटे छोटे होते हैं, हाँ छोटे छोटे बैक्टीरिया उसको आप ले सकते हैं। अब ये भी बता दिया गया कि वाइली के अंदर क्या क्या होता है, वाइली किस तरह बना होता है, एक वायलस कैसे बना होता है, एपिथीलियम से कवर्ड है, और अंदर एपिथीलियम की क्या क्या है, 3 चीजें, आर्टरी वेन और इंटरकनेक्टिंग ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल जिसको लैक्टील कहते हैं, ये सब चीजें एक सिंगल वायलस के अंदर, इतना और तो बहुत सारे वायलस उसके अंदर है, है ना। The small intestine serves both for digestion and absorption. दोनों काम यहाँ पर होता है, digestion के भी काम आता है और फिर absorption भी। ये देखिए दिया ना, epithelium से ढका है, capillaries अंदर है, lacteal ये देखिए यहाँ पे show किया गया, vein और artery दोनों मौजूद हैं, lymphatic duct इधर है और hepatic portal vein इधर है, ठीक है। hepatic मतलब ये जाकर के liver से जुड़ता होगा,
उस सिस्टम सर, से, है ना? पैनक्रियाटिक जूस वो होता है ना जो मतलब खाने को पैंक्रियास से एब्जॉर्ब निकलता करता है, हाँ खाने को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन आर बोथ फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये दो डाइजेस्टिव जूसेस इसको मिलते हैं। एक तो बाइल, बाइल कहाँ बनता है? लिवर में। और पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज में, ड्यूडिनम में। वहां पर क्या होता है? द पैंक्रियाटिक जूस इन द ड्यूडिनम एंड इट्स ओन वॉल सिक्रीट द, और तीसरा क्या है, इंटेस्टिनल जूस जो है ईलियम में खुद, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने, दो तरह के जूस बाहर से मिलते हैं डाइजेस्टिव जूस, बाइल, और बाइल पहले मिलता, और पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडिनम में मिलेगा। देन अब उसकी अपनी ओन वॉल्स जो है वो ईलियम में खुद का इंटेस्टिनल जूस डालती हैं। ये सब किस लिए होता है? फूड को एब्जॉर्ब करने की, फूड को डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करने की मशीनरी है पूरी। ओके आगे देखें। अब एडाप्टेशंस ईलियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए ईलियम के, है ना, ईलियम फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब होता क्या है, इट इज वेरी लॉन्ग, बहुत ज्यादा लॉन्ग है एक तो, और क्या होता है इससे ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है, और लार्ज नंबर ऑफ वाइली हैं तो क्या करते हैं, वो जो वाइली है और ज्यादा सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। सिंगल सेल एपिथीलियम उसके अंदर मौजूद है, ठीक है, देन सिंगल सेल एपिथीलियम है तो फिर वो तो और भी टेंशन खत्म। इट इज अ नैरो नैरो विच इट इज नैरो विच स्लोज द मूवमेंट ऑफ फूड देयर बाय अलाउिंग एब्जॉर्प्शन, और ये बहुत पतली होती है जगह, तो लिहाजा इससे क्या होता है कि फूड एकदम से पास आउट नहीं हो जाता बल्कि एब्जॉर्प्शन के लिए वेट करता है। अब आइए अगला जो पिगमेंट है बाइल, ये बाइल क्या है, येलोइश ग्रीन एंड वॉटरी फ्लूइड है प्रोड्यूस्ड इन द लेवर, इसको कहते हैं बाइल पिगमेंट, विच इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हीपैटिक हीपैटिक डक्ट, यानी लिवर से जुड़ने वाली डक्ट, यानी वो नाली कह सकते हैं आप, वो हीपैटिक डक्ट कहलाती है। जो हीपैटिक डक्ट है वो ज्वाइन होती है सिस्टिक डक्ट से, सिस्टिक डक्ट से फॉर्म जोड़ करके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिल करके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं, और जो बाइल है वो फ्लो डायरेक्टली हो जाएगा ड्यूडनम में, या फिर जैसा कि हमेशा होता है कभी कभी टेम्परेरली स्टोर भी हो जाता है गॉल ब्लाडर में। जब गॉल ब्लाडर में ये इकट्ठा होता है, द कलर ऑफ द बाइल इज ड्यू टू सर्टेन पिगमेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं, बिलीवर्डिन या बिलीरुबिन की वजह से, जिसका कलर है हर ग्रीनिश, ठीक है, येलोइश ग्रीन, वो इसलिए है। और ये कैसे पैदा होता है, प्रोड्यूस बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द डेड एंड वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स, और आरबीसी की वजह से ये प्रोड्यूस होता है बिलीरुबिन। बाइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, एसिड कंटेंट जो फूड का है, कहां से मिला उसे, स्टमक से, और फिर क्या करता है इसको एसिडिक से नेचर पूरे पूरे फूड का बदलता है अल्कलाइन कर देता है, अल्कलाइन, और इससे क्या होता है अल्कलाइन करने से टू इनेबल द पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल एंजाइम्स, और एसिडिक नेचर अगर रहेगा तो वो दोनों चीजें काम नहीं कर पाएंगी, तो क्या करता है उसका बिहेवियर, नेचर अल्कलाइन कर देता है ताकि पैंक्रियाटिक और इंटेस्टिनल एंजाइम्स काम कर सके। बाइल साल्ट्स रिड्यूस कर देते हैं सरफेस टेंशन जो फैट्स का है वो, और उसके बाद ब्रेक कर देते हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, इमल्सिफिकेशन कहते हैं इसको, ये ड्रॉपलेट्स में बदलना, फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ये सब इसलिए होता है कि आपका ग्रेटर सरफेस एरिया किसके लिए, के एंजाइम्स के एक्शन के लिए रेडी हो सके। ओवरऑल ओवरऑल जो रोल है बाइल का यहां पर देखिए, एसिडिक शाइम को बाइल जब मिला तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तो फिर उससे क्या बना, एल्कलाइन शाइम हो गया, अब वो फैट, फैट पे बाइल का क्या काम है, इमल्सिफाई कर देता है, यानी बिल्कुल टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे करवा देता है। देन गॉल ब्लैडर, ये देखिए गॉल ब्लैडर है, सिस्टिक डक्ट है,
और इधर से लिवर से हिपैटिक डक्ट निकल के आ रहा, कॉमन बाइल डक्ट बन गया, गॉल ब्लैडर से भी एंजाइम जो रिसीव होगा इधर ही आएगा। अब कॉमन बाइल डक्ट चलते हुए नीचे ड्यूडिनम में खुला करके देखिए आप, और ड्यूडिनम में क्या होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट भी आ रहा, वहां से भी जूस निकल के आएंगे, पैंक्रियाज ये है आपका, ठीक है। इसकी फिगर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए आपको। एक सेकंड सर, वो उमर खान लेफ्ट हो गया। देखिए उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस के बारे में बात करें, पैंक्रियास मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं बॉडी पार्ट है, वैसे तो बॉडी में कोई पार्ट ऐसा है ही नहीं जो इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस, दिस इज प्रोड्यूस्ड इन अ वाइटिश ग्लैंड, वाइटिश ग्लैंड है ये पैंक्रियास, ये लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, पेट के ठीक पीछे। द पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इन टू द ड्यूडिनम बाय एन अपर्चर कॉमन टू दैट ऑफ द बाइल डक्ट, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पैंक्रियास से निकल के आया कॉमन बाइल डक्ट, उसी के साथ वहीं पे दोनों हैं, और कॉमन बाइल डक्ट में गॉल ब्लाडर का सिस्टिक डक्ट जुड़ा हुआ है और लीवर का हिपेटिक डक्ट जो है, ये सब कॉमन बाइल डक्ट, और फिर ये पैंक्रियास का पैंक्रियाटिक डक्ट उसके जस्ट पास में मौजूद है, ठीक है। अब इनके कामों को अच्छी तरह समझ ले हम, तो पैंक्रियाटिक डक्ट वो भी ड्यूडनम में पहुंचा था, बाइल डक्ट जहां पर पहुंचा हुआ है। तो अब पैंक्रियाटिक जूस जो है उनके अंदर तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं, याद कर लीजिए अच्छी तरह से, एमाइलो एमिलोप्सिन कहिए सीधे, एमिलोप्सिन पैंक्रियाटिक एमिलेज कहलाता है, ये डाइजेस्ट करता है लेफ्ट ओवर स्टार्च को माल्टोज में, यानी जो अब जो भी हम खाना खाते हैं वो स्टार्च की शक्ल में, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की शक्ल में दें, और जब उसके ऊपर शुगर होता है ना, हाँ शुगर है, ठीक है, और पैंक्रियाटिक एमिलेज उसको डाइजेस्ट करता है, जो स्टार्च बचा हुआ है ठीक है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है, फिर ट्रिप्सिन। पहला है ये कहां से निकल रहे, पैंक्रियाटिक जूसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल एमाइलो एमिलोप्सिन, फिर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का अंदर रिमेनिंग प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स टू प्रोड्यूस स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब देखिए उधर क्या काम हो रहा था, प्रोटीन्स के ऊपर कौन काम कर रहा था, प्रोटीन्स पे पेप्सिनोजिन था, वो पेप्सिन काम कर रहा था, पेप्सिन जब काम खत्म कर चुका तब भी लेफ्ट ओवर रह जाएगा, तो उसके लिए कुदरत ने क्या निजाम बनाया, ट्रिप्सिन निकलता है, ट्रिप्सिन उसको क्या करता है स्मॉलर पेप्टाइड्स में बदल देता है और अमीनो एसिड्स में, और ट्रिप्सिन इज फर्स्ट सिक्रीटेड एज इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन, सबसे पहले तो इनएक्टिव रहता है वो, उसमें कुछ काम नहीं करता, इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन, और एक्टिवेटेड कैसा, विच इज एक्टिवेट, पहले क्या होता है ट्रिप्सिनोजन मौजूद है जो बाद में एक्टिवेट होता है तो ट्रिप्सिन कहलाता है, और ये ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम के जरिए एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है, ट्रिप्सिनोजन के ऊपर एंजाइम यानी एंटेरोकाइनेज, एंटेरोपेप्टिडेज भी कह सकते हैं, एंटेरो एंटेरोकाइनेज ये एक एंजाइम है, ये कहां से निकल के आता है, ड्यूडनम के अंदर से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम एंटीरोकाइनेज, एंटीरोकाइनेज है ठीक है, ड्यूडनम में से निकलता है, ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में बदल देता है, ओके। देन थर्ड स्टिप्सिन, स्टिप्सिन ये एक्ट करता है इमल्सिफाइड, अब एक देखिए पहले वाले ने क्या करा, एमाइलो एमिलोप्सिन ने क्या करा, टेल मी एमिलोप्सिन क्या करता है, रिमेनिंग लेफ्ट ओवर स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, और ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन है उसके ऊपर एंटेरोकाइनेज जब एक्टिवेट होता है, एंटेरोकाइनेज कहां से निकलता है, ड्यूडेनम से, ड्यूडेनम से इनर लाइनिंग की, ठीक है, इनर लाइनिंग की, ठीक है। अब इसके बाद स्टीपसिन ये एक्ट करता है इमल्सिफाइड फैट्स को, एक्ट्स ऑन इमल्सिफाइड फैट्स, जो फैट इमल्सिफाई हुए थे पीछे फैट्स उनको स्प्लिट करता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में ये रोल जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का आप देख लीजिए यहां पर दिए हुए हैं, ट्रिप्सिनोजन निकलेगा इनएक्टिव फॉर्म में, एंटीरोकाइनेज से वो ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया,
अब प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स पे ट्रिप्सिन ने काम किया और स्मॉलर पेप्टाइड्स बना दिए, अमीनो एसिड्स बना दिए। अब लेफ्ट ओवर स्टार्च क्या कर रहा है, एमिलोपसिन, उसके ऊपर क्या है, माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। इमल्सिफाइड फैट है, स्टीपसिन ने सीधे सीधे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना दिया, ठीक है। ओके, अब देखिए इंटेस्टिनल जूसेस, जिनके अंदर कौन कौन से जूसेस मौजूद हैं, इरेप्सिन, ये मिक्सचर किसका है, पेप्टिडेज, पेप्टिडेज कहाँ है पीछे देखिए, पेप्टिडेज, अभी अभी जिक्र किया था उसका हम लोगों ने। अच्छा ये है एंटेर पेप्टिडेज। अब क्या है, इरेप्सिन एक मिक्सचर है किसका, पेप्टिडेज का, ये कन्वर्ट करता है रिमेनिंग पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में, ठीक है। यानी वो जो इंटेस्टिनल जूस है उसके अंदर इरेप्सिन नाम का एक एंजाइम मौजूद है, ठीक है। इरेप्सिन, और इरेप्सिन जो होता है वो कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड किस चीज का है, यानी हाँ, तो इससे क्या होगा, रिमेनिंग पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स, माल्टो माल्टेज, और माल्टेज से क्या होता है, माल्टेज क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है माल्टोज को, और माल्टोज को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाता है, फिर लैक्टेज को डाइजेस्ट करता है, लैक्टोज, लैक्टेज निकलता है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा, उसको भी ग्लूकोज बनाएगा और गैलेक्टोज बनाएगा। फिर सुक्रेज जो है, या फिर इंटर इन्वर्टेज जिसको बोलते हैं, ये स्प्लिट करता है सुक्रोज को ग्लूकोज में और उसके बाद फ्रक्टोज में। कुछ ट्रेसेस जो हैं लाइपेज के डाइजेस्ट करते हैं फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ये सब चेंजेस जो हैं, ये देखिए समराइज कर दिए गए, इसको बहुत अच्छे से समझ लिया हम लोग। पेप्टाइड्स पे इरेप्सिन ने काम किया, अमीनो एसिड बन गया। माल्टोज पे माल्टेज ने काम किया तो ग्लूकोज बन गया। सुक्रोज पर सुक्रेज ने काम किया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। अब लैक्टोज जो मिल्क शुगर है, वो लैक्टेज जब उस पर एक्टिवेट होगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल जाएगा। इमल्सिफाइड फैट पर लाइपेज काम करेगा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल देगा उसको। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अब फाइनल प्रोडक्ट जो फूड का है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन में अपने आप से, जैसे कि द अमीनो एसिड्स एंड द सिंपल शुगर्स। अमीनो एसिड और सिंपल शुगर्स जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये रिलेटिवली स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं, विच आर एब्जॉर्ब थ्रू द थिन एपिथीलियम ऑफ द वायली एंड रिच रीच देयर ब्लड कैपिलरीज टू फाइनली एंटर द ब्लड सर्कुलेशन। अब वायली के अंदर क्योंकि कैपिलरी मौजूद है, ब्लड कैपिलरी, तो वो क्या करती है वहां पर, वायली उसे स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करती है और फाइनली ब्लड के अंदर एंटर करती है। ब्लड के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन में पहले तो लीवर पहुंचते हैं, है ना, फर्स्ट टू रीच द लीवर थ्रू द हिपेटिक पोर्टल वीन से, उसके बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू लिम्फ वेसल्स में और लैक्टील्स, वहां से कहाँ पहुंचते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में, जिसका विच फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑल ओवर द बॉडी टू अल्टीमेटली एम्प्टी इट्स कंटेंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये ले जाकर के अल्टीमेटली कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में सारे कंटेंट उड़ल देता है। ये जो फूड पासेज वेरी स्लोली थ्रू द इंटेस्टाइन टेकिंग अबाउट 4 आवर्स टू एंटर द लास्ट पार्ट विच इज द लार्ज इंटेस्टाइन। आपको 4 घंटे का वक्त लगता है फूड को लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचने में, यानी पूरी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, सब कुछ जो शाइम बना था उससे पूरा चीजें निकाल निकाल के, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो के 4 घंटे बाद लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचेगा। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो करीब 1.5 मीटर लॉन्ग है। इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, कैकम या सीजम, सीकम कह सकते हैं, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। आप स्पेलिंग याद करने के हिसाब से प्रोनंसिएशन मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। तो समरी, अब ये यहाँ पर आ जाइए, जो ये कैकम है या सीकम है, ये क्या है, स्मॉल ब्लाइंड पाउच है, सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ब्लाइंड पाउच का मतलब ये है, मतलब एक सामने नजर ना आने वाला, या आप कह लिए कि यहाँ पर कुछ और नहीं होता, ये सिर्फ एक पाउच है, स्टोरेज का काम करता प्रोनाउंस है। कैसे करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला जो सीकम, माउथ का सीकम, एंजाइम,
कौन नहीं, सा फर्स्ट वाले माउथ के एंजाइम टायलिन में जो टायल टायलिन। अच्छा हाँ मैस्टिकेशन है वो टायलिन है। अभी देखते हैं उसको भी ठीक है अभी पहले से हैं तो सीकम ये ब्लाइंड पाउच है जो कि जंक्शन स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जहां पर जॉइंट्स हैं वहां पर मौजूद है और फ्रॉम इट्स ब्लाइंड एंड प्रोजेक्ट्स अ नैरो वॉर्म शेप ट्यूब जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। एक पतली सी वॉर्म कीड़े की तरह एक ट्यूब है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। व्हेन इन्फ्लेम्ड इट कॉजेज अपेंडिसाइटिस और जब इसमें दर्द उठता है ना तो अपेंडिसाइटिस होती है। आपने सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है ये वही है। और टुडे इट इज अ फंक्शन लेस आजकल ये वेस्टिजियल ऑर्गन है आपकी बॉडी में इसका काम फिलहाल नहीं है या तो हमारी जानकारी में नहीं है आप यूं फंक्शनलेस इसीलिए कहा गया। द कोलोन इज मच ब्रॉडर देन द इलियम कोलोन चौड़ी ज्यादा है और एंड इज अ लिटिल मोर देन अ मीटर लॉन्ग थोड़ा सा 1 मीटर से ज्यादा बड़ी है। इट पासेज अप द एब्डोमेन ऑन द राइट यानी असेंडिंग कोलोन और क्रॉसेस टू द लेफ्ट जस्ट बिलो द स्टमक और कहाँ क्रॉस कर जाता है क्रॉसेस टू द लेफ्ट जस्ट बिलो द स्टमक ट्रांसवर्स कोलोन यानी तीन इसके भी हिस्से देखिए असेंडिंग कोलोन इसको आप ऐसे याद कर लिए एब्डोमेन ऑन द राइट पासेज अप द एब्डोमेन इट पासेज अप द एब्डोमेन यानी आपका पेट का हिस्सा राइट हैंड साइड पे और फिर क्या होता है फिर वहां से जस्ट बिलो द स्टमक वो ट्रांसवर्स कोलोन है और फिर वहां से डाउन टू द लेफ्ट साइड पूरे में ऊपर से नीचे तक ये आया डिसेंडिंग कोलोन। ये कोलोन के 1.5 मीटर 1 मीटर से ज्यादा लंबी और तीन पार्ट्स में आप समझ लीजिए इसको एक ही है वो बस वो जो उस कहां कहां से मुड़ी उस हिसाब से असेंडिंग ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन। अब इसका आखिरी पार्ट जो तीसरा पार्ट है वो रेक्टम कहलाता है रेक्टम इज द लास्ट पार्ट About 15 centimeter long, which opens at the anus has circular muscles, जिसको sphincters, ये जो circular muscles हैं, इनको sphincters कहते हैं, sphincters, to keep it closed, यानी valve का काम करते हैं, जब जरूरत ना हो, except when passing bowels, bowels, यानी जब आप पॉटी कर रहे हो, तो उस वक्त, पॉटी जो आप करते हैं, waste out, ये समझ लिए, feces भी बोलते हैं उसको, ठीक है? उसको बोलते हैं अदरवाइज वो बंद रहेगा वॉल्व की तरह अगर ऐसा ना हो बंद ना हो तो फिर क्या होगा पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी ठीक है सिस्टम डिस्टर्ब होगा वैसे नहीं बनेगा जैसे होना चाहिए। अब इसको हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं ये समरीज आर ऑलवेज गुड फॉर अस तो हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं ओके तो अब यहां पर समझ लिए कि रीजन क्या है माउथ यानी मैस्टिकेशन सिक्रीशन सिक्रीशन किस चीज का यानी सोर्स ग्लैंड वहां पे मैस्टिकेशन किस चीज से होता है सलाइवा से सलाइवा कहां से निकलती है सलाइवरी ग्लैंड से और सलाइवा में कौन से एंजाइम्स काम करते हैं टायलिन जिसको सलाइवरी एमिलेज भी कह सकते हैं और इसका काम क्या है न्यूट्रिएंट यानी सबस्ट्रेट स्टार्च बनाता है ये देन प्रोडक्ट क्या यानी न्यूट्रिएंट स्टार्च के ऊपर काम करेगा माल्टोज बनाएगा ठीक है। अब आइए फिर ओएसोफेगस में आया फूड आपका और वहां पर कोई सिक्रीशन नहीं होता वहां सिर्फ पैसेज दिया जाता है सेफ पैसेज की फूड कहां पहुंच जाए ओएसोफेगस से स्टमक में। स्टमक में दो प्रोसेस होंगे चर्निंग और टेम्परेरी स्टोरेज। स्टोरेज क्यों करना पड़ेगा जब चर्न कर रहे हैं फूड को चबा रहे हैं मतलब वो मिक्स कर रहा है चर्निंग मतलब गूंध रहा है जैसे आटा गूंधा जाता है वैसे तो वहां उस वक्त सिक्रीशन होता है ग्लैंड सोर्स ग्लैंड से कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों कहां से निकलते हैं स्टमक की लाइनिंग से ओके। और यहां पर एंजाइम्स कौन से होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस क्या है पेप्सिन रेनिन नॉट फाउंड इन एडल्ट ह्यूमंस रेनिन जो है वो एडल्ट ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है क्योंकि वो दूध पी के अपना काम नहीं चला रहे होते तो आपको पता है वो लैक्टेज वगैरह वो रेनिन का सारा मामला है ठीक है वो छोटे बच्चों के यहाँ के पेट में होता है। देन और पेप्सिन क्या क्या काम है पेप्सिन
प्रोटीन्स पे काम करेगा और उनको क्या बनाएगा, पेप्टाइड्स। एंड यू नो पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, जो यहाँ से पिगमेंट गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ठीक है, या HCl, जब पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा पेप्सिनोजेन को, तो पेप्सिन बनेगा और फिर वो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में बदल देता है, ठीक है। और ये जो आपका रेनिन है, ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन या केसीन पे काम करता है और उसको कर्डल्स मिल्क यानी दूध का दही बनाता है, टू प्रोड्यूस पैराकेसिन प्रोटीन, ठीक है। अब आइए आगे, अब वहां पे टेम्परेरी स्टोरेज से निकला फूड स्टमक से, और कहां से, स्फिंक्टर मसल वहां भी मौजूद है, दोनों साइड ओएसोफेगस की तरफ भी मौजूद है, और जैसे ही स्टमक का एंड होगा यानी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएंगे, वहां पर स्फिंक्टर मसल मौजूद है, ठीक है। और फिर ड्यूडेनम में पहुंचा फूड, वहां पर क्या हुआ, सिक्रीशन, वहां से सिक्रीशन शुरू हुआ, सोर्स ग्लैंड है, बाइल यानी लीवर से बाइल निकला, और पैंक्रियाटिक जूस कहां से निकले, पैंक्रियास से। अब बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, बट पैंक्रियाटिक जूस में तीन एंजाइम्स होते हैं, एमिलोप्सिन, तो एमिलोप्सिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स को स्मॉल पेप्टाइड्स में और अमीनो एसिड्स में बदल देगा, और स्टीप्सिन जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है, इमल्सिफाइड फैट्स को बदल देता है, इमल्सिफाइड फैट्स को बदल देता है किसमें, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। अब इसके बाद बारी है ड्यूडिनम से निकलेगा, फिर ईलियम जाएगा फूड, ठीक है। ईलियम में क्या होता है, इंटेस्टिनल जूसेस वहां भी मौजूद हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो वाइली के पास, वाइली जहां पर है वहीं पे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी मौजूद हैं, उनमें निकलेगा इरेप्सिन, आप इसको पेप्टिडेजेस कह सकते हैं, जो प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में बदलेगा। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देगा। लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इंटेस्टिनल लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल देगा। अब आइए कोलोन में कोई इंटेस्टिनल जूस नहीं पाया जाता है कोलोन के बाद, ये वाटर और कुछ रेमिनेंट जो है डाइजेस्टिव फूड के, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को बॉडी से बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। फिर रेक्टम, रेक्टम में कोई भी जूस नहीं मौजूद, टेम्परेरली स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड को और वेस्ट को, ठीक है, उसके बाद आप उसे वेस्ट आउट एनस के जरिए कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब फंक्शंस क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस जरा समझ लीजिए थोड़े से, क्या पीछे कुछ और रह गया, नो, अच्छा ये रेक्टम के आगे, रेक्टम उसके बाद फंक्शंस के बारे में बात हो रही है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो, वो क्या करती है, सिक्रीट करती है, कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करती, ये मच वाटर मतलब ज्यादातर पानी को सोख लेती है, और बहुत थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड लिटिल डाइजेस्टेड फूड को, कंटेंट्स विच मेनली कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, आफ्टर मच वाटर इज एब्जॉर्ब द कंटेंट्स बिकम सेमी सॉलिड, फेसीज, ये वर्ड है फेसीज, जिसको पॉटी सिंपली समझते हैं, फेसीज विच पास इन टू द रेक्टम, वो रेक्टम से और एक्सपेल कर दिया जाता है इंटरवल्स पे, आपको दिन में 2 बार पॉटी लग सकती है, नॉर्मली लगनी चाहिए। तो वो क्या है, मतलब फूड आपका डाइजेस्ट हुआ, 4 घंटे तो उसी में लगते हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम ये भी, तो 4, 5, 6 घंटे बाद आपको ये जरूरत पड़ती है, वो स्टोर होता रहता होता रहता है, फिर आपको उसे एक्सपेल करने की जरूरत पड़ती है। द एक्सपल्जन ऑफ द अनडाइजेस्टेड रिमेन्स ऑफ द फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल, इसको कहते हैं डिफिकेशन, ठीक है, डिफिकेशन, डिफिकेशन, जो फेसीज है उसके अंदर नॉर्मली नियरली 75% वाटर, 25% सॉलिड मैटर, विच अगेन कंसिस्ट ऑफ, जिसमें 30% तो डेड बैक्टीरिया है, और 10 से 20% फैट जो हजम नहीं हुए आपको, 2-3% प्रोटीन्स होते हैं, 30% रफेज है। रफेज कहाँ से आते हैं, जो हम सब्जी वगैरह खाते हैं, तो ये रफेज का मेन सोर्स है हमारा, ठीक है। सर वो भी ओट्स, हाँ ओट्स वगैरह भी रफेज प्रोवाइड, और रफेज बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपको क्या होगा, वाटरी स्टूल्स का सामना, दस्त वगैरह का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानी हो सकती है, तो रफेज की जरूरत होती है। ये जो बैड कलर है फेसिस का, इसलिए होता है कि बैक्टीरियल एक्शन
ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन, जो बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर मारे गए हैं, जो बैक्टीरिया ने काम किया है उस वजह से उसका कलर बैड होता है. नो, जो कॉम्पोजिशन है फिसीज का वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड आप किस तरह खाते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा. अब चलिए जरा एक थोड़ी सी चेकिंग हो जाए. इंटेस्टिनल वाइल यू हैव अ लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टील, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू. ओके ओके. इंटेस्टाइन इज नैरो फॉर फास्ट मूवमेंट ऑफ फूड. फॉल्स. ओके. इंटेस्टाइन इज नैरो फॉर स्लो मूवमेंट ऑफ फूड. Large intestine secretes no enzyme. True. Okay, इसको आप कर लीजिएगा, मुझे लग रहा आवाज इनको कर रही है फिर से ना. मैं आगे चलता हूँ, आप इसको म्यूट करते. ठीक. Assimilation of food. Assimilation is the conversion of the absorbed digested food into body material. अब हम उस स्टेज पे आ गए कि हमारा फूड हमने खाया, स्टमक पे पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को एब्जॉर्ब, जो कुछ एब्जॉर्ब करना था वो कर लिया गया. अब उसका होता क्या है, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने कैसे पहुंचता है, कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर बात चल रही है. ओके. जो फूड डाइजेस्टेड होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है गट के जरिए, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट होता है दो मेथड से, दो वेज है उसके, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा लिम्फैटिक सिस्टम. हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा लिम्फैटिक सिस्टम. सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड्स, विटामिंस एंड मिनरल्स, ये सब तो कैरी टू द लीवर बाय द हीपैटिक. ये कहाँ लीवर, लीवर तक कोई भी चीज हीपैटिक सिस्टम से ही पहुंचेगी. हीपैटिक पोर्टल वीन वहां तक पहुंचाती है और लीवर क्या करता है, इनको कन्वर्ट कर देता है एनी एक्सेस ग्लूकोज को, यानी कोई भी एक्सेस ग्लूकोज जो बॉडी में नहीं चाहिए, या दूसरे सिंपल शुगर्स को इनसॉल्यूबल ग्लाइकोजन में बदल देता है, विच कैन बी टेम्परेरली स्टोर्ड. देखिए आपका लीवर कितना बड़ा काम करता है. आपने खाना ज्यादा खाया बट लीवर डू नॉट अलाउ टू एंटर एनी एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली. इंस्टेड इट स्टोर सम ऑफ द एक्सेस ग्लूकोज. ओके. तो फिर इनसोल्यूबल ग्लाइकोजन में बदल के विच कैन बी टेम्परेरली स्टोर्ड. ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजिनेसिस. ग्लाइको, व्हाट यू मीन बाय ग्लाइकोजिनेसिस? द कन्वर्जन ऑफ एक्सेस शुगर और ग्लूकोज और सिंपल शुगर्स इनटू इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन एंड विच कैन बी टेम्परेरली स्टोर्ड. ओके. और ये कहां पर होता है? लिवर के जरिए होता है. व्हेन नीडेड द लिवर रिकन्वर्ट, जब जरूरत होती है तो लिवर क्या करता है, रिकन्वर्ट कर देता है इस ग्लाइकोजन को इनटू ग्लूकोज में. दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलिसिस. ग्लाइकोजेनोलिस ग्लाइकोजन से फिर कन्वर्ट करता है किसमें, किसमें बदलता है, फूड बैक इनटू ग्लाइकोजन, रिकन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन. ओके. और ये सिस्टम क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस. ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में ये. अब आप, मैं इसके बारे में आपसे जब ये पीरियड एंड होगा तब बात करूंगा. ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी tissue as a source of energy in cellular respiration and also in synthesis of certain compounds. उसके लिए भी जरूरी है glucose. जो amino acids हैं circulate होते हैं body में and they serve as building blocks of protein. और ये क्या काम करते हैं, ये building blocks हैं protein के, amino acids. The amino acids cannot be stored. Any excess amino acids are broken down in the liver by a process जिसको कहते हैं डीमिनेशन, इन विच जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग एमिनो ग्रुप जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में फॉर एक्सक्रीशन, जो हमें यूरिनल की जरूरत पड़ती है, आप समझ लीजिए इसको. और रिमेनिंग पार्ट फॉर्म करता है ग्लूकोज, जो उसमें से कुछ तो यूरिया में बदल गया और उसके बाद यूरिक एसिड में ब्लड स्ट्रीम में गया. उसके बाद क्या करता है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो ग्लूकोज बना लेता है, उसको फिर यूटिलाइज कर सकते हैं. जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स हैं जो एब्जॉर्ब किए गए थे गट के जरिए, वो ट्रांसपोर्ट कर देते मेनली थ्रू द इंटेस्टिनल वाइली एंड लिम्फेटिक सिस्टम, उनके जरिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. ठीक है, ये जो थोरेसिक डक्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का एम्प्टी होता है कहाँ पर,
लार्ज वीन्स कैरिंग, लार्ज वीन्स में जो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं। कुछ फैट्स भी इस्तेमाल हो जाते हैं इसमें, यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स इन द बॉडी सेल्स। द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिटेड चीफली बिलो द स्किन एज सबक्यूटेनियस फैट और अराउंड सर्टेन विसरल ऑर्गन्स इन स्मॉलर क्वांटिटी। जो एक्सेस फैट होता है वो आपकी बॉडी में जमा हो जाता है पेट के तमाम हिस्सों में, ठीक है, विसरल ऑर्गन्स में। अब लीवर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1.5 kg ऑन एन एवरेज, 1.5 किलो का होता है लीवर। इट इज रेडिश ब्राउन ऑर्गन लोकेटेड एट द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायफ्राम, स्टमक के जस्ट ऊपर। ओके, नॉट इन सिलेबस बोला है, फंक्शंस ऑफ द लीवर अदर देन प्रोडक्शन ऑफ बाइल, इसके अलावा सिलेबस में नहीं है। तो क्या करता है, कंट्रोल्स ऑफ ब्लड शुगर लेवल, इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल बाय रिटेनिंग एक्सेस ग्लूकोज रिसीव्ड एज प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड स्टोरिंग एज इट इज ग्लाइकोजन, अभी बताया गया था, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। और दूसरा काम क्या है इसका, और जब यूज करना हो तो फिर से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस के जरिए फिर वापस ग्लूकोज में, ठीक है। अब आइए फिर क्या होता है, कंट्रोल ऑफ अमीनो एसिड्स लेवल, अमीनो एसिड लेवल्स को भी कंट्रोल करता है। एक्सेस अमीनो एसिड्स जो है वो ब्रोकन, हाँ लिवर, तो कंट्रोल करता अमीनो एसिड लेवल्स को। एक्सेस अमीनो एसिड जो है वो ब्रोकन डाउन कर दिए जाते हैं ताकि उनमें से नाइट्रोजन पार्ट निकाल दिया जाए, जिसे डीमिनेशन कहते हैं, और इसके जरिए यूरिया और शुगर प्रोड्यूस होती है। यूरिया जो है वो एलिमिनेट हो जाती है एक्सक्रीशन के जरिए और शुगर यूटिलाइज हो जाती है मेटाबॉलिज्म में। सिंथेसिस ऑफ फीटल रेड ब्लड सेल्स, ये फीटल है, FOETAL, फीटल, पेट में जो फीटल रेड ब्लड सेल्स को, इट प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यू नो पेट में जब बेबी होता है तो उसके लिए रेड ब्लड सेल्स का सिंथेसिस करता है लीवर। एडल्ट्स में RBC प्रोड्यूस होती है बोन मैरो में, बट बच्चों में जो पेट में होता है बच्चा तब लीवर ये काम करता है। स्टोरेज, इट स्टोर्स आयरन कॉपर एंड सेवरल विटामिन्स यानी AND ये मिलता है। डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब्सटेंसेस जो खतरनाक हैं बॉडी के लिए, जहरीले हैं, उनको ड्रग्स और अल्कोहल ये सब हमारी डिटॉक्सिफाई कर देता है इनको। प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रॉम्बिन, क्या क्या प्रोडक्ट करता है ये, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रॉम्बिन जो ब्लड क्लॉटिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ हीपेरिन एंटीकॉगुलेंट वो प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के जरिए, रेगुलेशन रखता है ब्लड वॉल्यूम का, ठीक है, टेम्परेरी स्टोर करके रखता है एक्सेस वाटर को, इससे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखता है। एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक एंड मेटाबॉलिक पॉइजंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड रेड RBCs इनको भी बाहर फेंकता है। जो लीवर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स डिपेंडेबल क्लू टू द सस्पेक्टेड केसेस ऑफ पॉइजनिंग थ्रू फूड एंड दस इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में। लीवर क्या करता है, अच्छा खासा क्ल्यू दे देता है, अगर किसी को जहर वगैरह दे के मारा गया है तो कुछ ना कुछ उस हिस्सा उसका लीवर में जरूर मिलेगा, तो फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में इसकी बड़ी अहमियत होती है। अब देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए डाइजेशन के, उसको जरा देख लें, ठीक है। तो मुझे लगता है